हेलो दोस्तों, आज हम आपके पास 3 नंबर के कान्हा जी का ये ड्रेस लेकर आए हैं जो कलरफुल है। आप देख सकते हैं इसमें टोपी भी काफ़ी खूबसूरत है। ये कान्हा जी का ड्रेस हम फ्लावर से बनाए हुए हैं। ये फ्लावर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, चोली का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। देखिए, हम यहाँ पे चोली बनाकर तैयार किए हुए हैं। चोली बना लेने के बाद में इस तरह का फ्लावर बना लेंगे। ये फ्लावर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम अपने चैनल पे इस फ्लावर को बनाने का तरीका बताए हुए हैं, आप वहाँ से देखकर इस फ्लावर को तैयार कर सकती हैं। इस फ्लावर को जब आप तैयार कर लेंगी, देखिए ये हम कई कलरों में बनाए हुए हैं, 3 कलर में है हमारे पास। 3 कलर में बना लेने के बाद में हम इसे अब चोली पे सुई धागा की मदद से सिल कर यहाँ पे इसे फिट करेंगे। देखिए सिलना हमें किस तरह से है। सबसे पहले हम इस जगह पे सिलेंगे। सिलना हमें कुछ इस तरह से है। ये चीज़ ऊपर की ओर आएगा, ये नीचे की ओर इस तरह से हम नहीं सिलेंगे, ये ऊपर की ओर आना चाहिए। ये आप अगर चाहती हैं तो धागा से भी आप बना सकती हैं, कॉटन की का जो धागा होता है उससे भी आप बना सकती हैं। यहाँ पे हम ये 2 प्लाई की ऊन से बनाए हुए हैं। इस तरह से एक हम सिल चुके हैं, अब दूसरा भी लगाएंगे। देखिए दूसरा भी हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हम दोनों को साथ में मिलाते हुए सिलेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे सबसे पहले इस कलर का सिलकर पूरे गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। सिल लेने के बाद में उसके बाद फिर हम दूसरा दूसरे कलर से सिलने के लिए बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये 4 सिल चुके हैं, अब लास्ट यहाँ पे ये 5वां सिल रहे हैं। यहाँ लास्ट में दोनों को इस तरह से मिला देना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। देखिए ये एक बार में गोलाई से इस तरह हम सिलकर तैयार किए। अब अगला जो हम सिलेंगे वो आप जिस कलर से भी दे लें, अगर आप इस कलर से देती हैं तो ये इस तरह से अगला सिलेंगी। इस तरह से यहाँ से धागा को डालेंगी और यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि देखिए अभी हमारे पास धागा यहाँ पे है, तो हम इस धागे को इस स्थान पे ले आते हैं। धागे को हम यहाँ पे लेते आए हैं। अब देखिए, अब इसे हमें सिलना है। इस तरीके से हम सिलेंगे, नीचे की ओर से सुई को डालेंगे। धागा आप यहाँ पे देख लें जो कलर का, अब जैसे कि यहाँ पे इस कलर का धागा लगना चाहिए, ये चीज़ आप देख लें।
धागा आपको जगह जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसा आप फूल, यानी कि यहाँ ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का धागा यूज करें। अब ये दोनों को यहाँ मिलाते हुए और साथ में ये ऊपर का फूल को मिलाते हुए सिलेंगे। इस तरीके से फिर इसे भी हम दोनों को इस तरह से सिल लेंगे। देखिए सुई हम कहाँ से कहाँ तक चलाएं, यहाँ से लाएं, यहाँ से लाकर यहाँ तक चलाएं। अब फिर इसी तरह अब यहाँ धागा को आप कट कर लें, या चाहती हैं तो यहाँ से यहाँ तक ले आएं धागे को, जैसे कि देखिए इस तरह से आप ला सकती हैं, क्योंकि ये कलर मिल रहा है इसलिए आप यहाँ धागे को ला सकती हैं। ये इस ढंग से लाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक ले आए धागे को। अब अगला, हमें अगला फूल डालना है। देखिए अगला फूल हम किस तरह डालेंगे, ये इस तरह से हम अगला फूल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अगर हम डाल रहे हैं तो इसे यहाँ इस तरह से सिलेंगे और इसके बाद हम मिलाते हुए दोनों को इस तरह से पकड़ लें, अच्छी तरीके से दोनों को मिलाते हुए इसे सिल लें। देखिए ये अगला भी सिल चुके हैं। तो इस तरह से सिलते हुए आप यहाँ पे ठीक, अब इसके बीचों बीच में एक सिलेंगे, इसके बीचों बीच में, फिर इसके बीचों बीच में। अब यहाँ पे बीच पे हम ये जो रेड कलर का बनाए हुए हैं ये रेड कलर का सिल लेंगे इस तरह से लगाकर। और बीच में अगर आप कोई और देना चाहती हैं, जैसे ये शुरुआत वाला है, यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से बनाते हुए, इसे सिलते हुए हम पूरे गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया जाए ये हम ले लेते हैं फूल। लेने के बाद में इसे हमें अंदर की ओर से लेना है, इस तरह से अंदर की ओर से इस तरह से सजाना है। तो इसके लिए धागे को देखिए हम यहाँ पे ले आए हैं, धागे को यहाँ जोड़ लेंगे। सबों में जोड़ना है हमें धागे को, तीनों को, यानी इसे भी अटैच करना है और इसे भी, इसे भी, इसे भी। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरफ से कर चुके हैं, अब हम आएंगे यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ हम नीचे रेड कलर का जो है उसे मिलाते हुए सील रहे हैं, मिलाते हुए उल्टी बखिया हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये अगर आप उल्टी बखिया यहाँ पे करेंगी तो आपका जल्दी ये चीज़ खुलेगा नहीं। इसे आप पेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन पेस्ट करने के बाद, हमारी कुछ बहनों का कहना है, पेस्ट करने से जल्दी ये चीज़ खुल जाता है या हट जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे सिल लीजिए आप, आपको कोई तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ये हो गया। अब ये दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है, ये दोनों को मिला लेंगे। ये हो गया, यहाँ से साथ में इसे भी ले लेंगे। अब देखिए अब ये सिल चुका है। इस तरह से एक सिले, दूसरा सिले, यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, पांचों पहले सिल के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कलरफुल कान्हा जी का ड्रेस कंप्लीट होता है, जो बनाने में बहुत ही आसान है
और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हम इनका टोपी बनाएंगे। आइए देखते हैं टोपी कैसे बनता है। टोपी हम इसी से बनाएंगे। देखिए ये जो फूल हम बना के रखेंगे इसी से हम टोपी भी बनाएंगे। इसके लिए इसे हम पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे बुनना शुरू करेंगे। दो चेन ले लिए हम यहाँ पे। फिर अगला हुक पे हुक को डालेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकती हैं, जो आप चाहती हैं वो कलर ले सकती हैं। हम यहाँ पे क्रीम कलर लगाए हुए हैं। फिर अगला पे हुक को डालेंगे और हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा फैले नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक एक लाइन प्रत्येक से एक एक डबल क्रोशिया बनाना होगा। उसके बाद हमें अगर यहाँ पे डबल क्रोशिया कम करना होगा तो उसके बाद हम यहाँ डबल क्रोशिया कम कर लेंगे। इस तरह से हम देखिए इसे पूरे गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे पूरी गुलाई में एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा लाइन हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। आप अगर यहाँ चाहती हैं और कोई कलर यूज करना तो क्रीम के बाद आप कोई और कलर भी डाल सकती हैं। देखिए अब यहाँ पे ये गुलाई में बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ दिए। जोड़ने के बाद आप इस चीज़ को देख लें कि ये कान्हा जी के सिर पर क्या फिट बैठेगा, कि बालों के ऊपर से बैठेगा। ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, तो आप इस चीज़ को देख लें। अगर आप बाल के ऊपर से पहनाना चाहती हैं तो फिर इसे आप 1-2 डबल क्रोशिया कम कर सकती हैं, 1 या 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आप दूसरा कलर भी लगा सकती हैं, अगर आप चाहती हैं दूसरा कलर भी लगा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम कुछ फंदे यानी 1-2 डबल क्रोशिया कम करते हुए चलेंगे। तो कम हमें किस तरह से करना है, ये हम एक फंदा बुने, 2 फंदा था, दोनों को गिरा दिए, फिर से फंदे को ले लिए, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से हम 2 बार इस तरह गिरा चुके। अब देखिए अब 3 फंदा हमारे पास बच गया, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो यहाँ पे आपका 2 डबल क्रोशिया से 1 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह करते हुए आप 1 या 2 कम कर सकती हैं। फिर इसे हम गुलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर बालों के ऊपर से आपको डालना है कान्हा जी का टोपी तो आप फंदा और ज़्यादा कम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम कर सकती हैं। देखिए कम, फिर यहाँ कम कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम दो को एक बार में गिराएं, दो फंदा है अभी हमारे पास, फिर फंदे लेंगे, अगला पे हम हुक को डालेंगे और दो, फिर दो का एक किए, अब तीन फंदा हमारे पास बचा रह गया है, तीन का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका एक डबल क्रोशिया कम हो गया। अभी से हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे, देखिए इस तरह से ये तैयार होगा। और इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद में अब हम यहाँ पे कोई अलग कलर अगर आप चाहती हैं तो लगा सकती हैं, नहीं तो इसी तरह आप प्लेन भी रख सकती हैं और यहाँ मोती वगैरह भी आप दे सकती हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का टोपी भी तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ड्रेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।